Hi friends, कैसे हैं? Hope everything is fine. Welcome to Drone Talk Doctor once again. So this episode is again for drone lovers and hope आप सब ठीक होंगे अपने घरों में. तो आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं जो लेटेस्ट इमेजेस आई हैं ड्रोन की, लीक हुई हैं DJI Mavic Air 2 की. तो काफ़ी इंतज़ार था इस ड्रोन का और 27 अप्रैल इज द डेट जिस पे ये DJI कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. और नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होना सबसे लेटेस्ट है वो यही है, DJI Mavic Air 2. अब जो पिक्चर्स मिली हैं काफ़ी क्लियर हैं और काफ़ी कुछ दिख रहा है उनमें, तो मैं आपसे अभी दिखाऊंगा. बने रहे इस वीडियो के साथ. और अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लाते हैं हम ड्रोन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ड्रोन रूल्स, एवरीथिंग अबाउट ड्रोन्स एंड ऑल्सो टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, लाइक फोन्स, स्पीकर्स, एवरीथिंग गैजेट्स. सो इनमें किसी में भी आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब. और डॉक्टर आई एम, सो आई ऑल्सो शेयर समटाइम्स हेल्थ अपडेट्स ऑन दिस विच कैन बी यूज. I don't prescribe medicines online. That is against the rules. तो जो normal जैसे supplement हो गया, कुछ जो normal हो गया वो चीज़ें आपकी health के लिए वो मैं share करता हूँ. तो start करते हैं आज का video. तो friends, जैसे कि news आई है, leaks आ रही हैं, confirmed हमारे पास pictures आ गई हैं Mavic Air 2 की. और picture दिखाने से पहले कुछ अपना आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या है इसमें खास. तो खास ये है कि ये जो अब ड्रोन रिलीज होगा Mavic Air 2, यानी Mavic Air का सेकंड वर्जन, इसमें जो कंफर्म हो गया वो पहले आपको बता दिया जाए. कंफर्म ये है कि जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट मैच कर रहा है Mavic Pro से. नंबर टू, काफ़ी सिमिलैरिटी है, थोड़ा साइज छोटा है बस. नंबर टू, बैटरी काफ़ी मज़ेदार, यू नो इट, जो टाइम होगा ऑलमोस्ट कमिटेड जो कमिट करेंगे ऑन द बॉक्स वो होगा ऑलमोस्ट 34 या 35 मिनट्स के आसपास. तो आराम से 30 मिनट तक आपको मिलने वाला है फ्लाइट टाइम, जो कि बहुत ह्यूज जंप है हमारे पिछले Mavic Air 1 से. एंड नंबर थ्री, इसमें आपको साइलेंट प्रोपेलर्स मिलेंगे तो आवाज़ ज़्यादा नहीं करेगा, बाकी सेंसर्स बढ़िया होंगे. और जो डाउट बना हुआ है अभी तक वो है इसका कनेक्शन विद रिमोट कंट्रोल, कि वो ऑक्यूसिंक इसमें आएगा या नहीं आएगा. जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है और जिस तरह से DJI अपने ड्रोन्स अलग अलग सेगमेंट्स में रिलीज़ करता है, तो उस हिसाब से, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि Mavic Air में ऑक्यूसिंक लाना एक गेम चेंजर होगा. वो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर Mavic Air में ऑक्यूसिंक आ जाए, जिसको नहीं मालूम, ऑक्यूसिंक एक टेक्नोलॉजी है जो कि DJI के प्रो ड्रोन में से Mavic Pro 2 और Phantoms वगैरह में होता है. इसमें कनेक्टिविटी बिटवीन द रिमोट एंड योर ड्रोन बहुत अच्छी होती है, उससे रेंज काफ़ी अच्छी हो जाती है और बिना डर के, बिना कनेक्शन के खोने के डर के आप ड्रोन उड़ा सकते हैं. तो वो चीज़ इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी, वो अभी डाउट है क्योंकि उसका कोई लीक नहीं आया, कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है. तो ये थे कुछ खास पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा. अब चलता हूँ सीधा आपको लेके ड्रोन की फोटोज के ऊपर, ताकि आपको आइडिया लगे किस तरह की फोटोज हैं. चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा Mavic Air की पहले फोटो साइड शॉट में, एंड दिस इज द बैक. यू कैन सी सिमिलरिटी काफ़ी है, नीचे सेंसर दिया गया है. अगर एक बार एकदम अचानक से अगर आप देखें तो ये आपको Mavic 2 Pro ही लगेगा, बट साइज वाइज काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू. और ये देखिए, बिल्कुल सिमिलैरिटी ऑफ डिज़ाइन, कलर भी ऑलमोस्ट वैसा है, फ्रंट लुक. और Mavic Air 2 का आप देख सकते हैं लोगो बहुत क्लियर. तो कंफर्म होती हैं काफ़ी चीज़ें कि दिस इज़ योर Mavic Air 2 ऐसा रिलीज़ होने वाला है. एंड ये साइड प्रोफाइल दूसरी तरफ से, एंड दिस इज़ द बैटरी जो कन्फर्म हो रही है, काफ़ी बड़ी बैटरी है. इसके स्पेसिफिकेशंस मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ, जिससे कन्फर्म होगा कि इसका फ्लाइट टाइम काफ़ी अच्छा होने वाला है. एंड ये कुछ मैनुअल्स हैं और ये ब्राज़ीलियन भाषा, पोर्टुगीज में लिखे हुए हैं. और इसमें देख सकते हैं आप रिमोट किस तरह से इन्होंने बदल दिया है, कोई स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है. और आई थिंक थोड़ा गैजेट सिस्टम, मतलब फ़ोन को फिट करने का सिस्टम थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट स्टिल इट इज़ नॉट दैट गुड जो एक्सपेक्टेड था. एंड दिस इज़ द मैनुअल विच शोइंग ड्रोन इट्सेल्फ.
और लग रहा है कि जैसे हमारे पास फोल्डिंग प्रोपेलर्स आते हैं, तो इसमें भी फोल्डिंग प्रोपेलर्स होने चाहिए। एंड लुक एट द कैमरा, कैमरा हो सकता है हैसलबैल्ट जैसा आपको मिल जाए, बट स्पेसिफिकेशन वाइज 48 मेगापिक्सल का आ रहा है। तो इस तरह से आपका रिमोट इसमें फिट हो जाएगा। काफ़ी मैकेनिज्म में इम्प्रूवमेंट है, जो पहले वाला अब जो मैकेनिज्म है वो मुझे भी इतना नहीं पसंद। दोनों तरफ से रिमोट खुलता है और बड़ी मुश्किल से आप उसमें अपना फ़ोन फंसाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, बट इट इज़ क्वाइट ईजी। तो ये थी कुछ फ़ोटोज़, और अब मैं आपको ले जाता हूँ जो स्पेक्स रिलीज हैं, इसकी लीक हुई हैं। स्पेक्स में बताया गया है कि मैविक एयर 2 की जो बैटरी है 3500 mAh की रिलीज़ होगी, और इसमें पावर होगी 40 वॉट आवर की कैपेसिटी के साथ, और इट कैन मेक स्पीड इसकी काफ़ी बढ़ गई है, 68.4 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा एंड 34 मिनट्स का क्लेम किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस जो लीक होके आ रही है। बाकी आपके पास इसमें मिलेंगे आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल जो हर एक ड्रोन में DJI आपको मिलते हैं, बढ़िया स्टेबिलिटी वाली फ्लाइट क्योंकि गिम्बल होगी, अच्छी फुटेज मिलेगी, कैमरा 48 मेगापिक्सल का कन्फर्म किया गया जो कि फोटोग्राफी 48 मेगापिक्सल खींचेगा, एंड शेप से थोड़ा मैच कर रहा है हैसलबैल्ट कैमरा से, बट हैसलबैल्ट कैमरा होगा या नहीं तो वो कन्फर्म नहीं है, एंड फ्लाइट टाइम फॉर श्योर ज़्यादा होगा, एंड डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट वो करेंगे रेंज को बढ़ाने के लिए। और ऑक्यूसिंग मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से ऑक्यूसिंग टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आएगी, ये वाईफाई ड्रोन ही होगा क्योंकि ये कैटेगरी मिड सेगमेंट में आती है इन ड्रोन्स, तो मिड सेगमेंट में अपर सेगमेंट का फीचर देना आई थिंक पॉसिबल भी नहीं है, और वो ठीक भी नहीं रहेगा तो उनकी फिर मार्केट ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि दे वोंट बी पुटिंग ऑक्यूसिंग इन मैविक एयर 2। तो बाकी रिमोट में कुछ फीचर्स जो डिज़ाइन को लेके किए गए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो मुझे भी वो जो फ़ोन फंसाना होता है ना हमारे इस रिमोट में, तो ये मैविक एयर का है, इसका ये नीचे से खुल रहा है तो ये मुझे भी पसंद नहीं है, उसमें ऊपर से थोड़ा इजी इन्होंने बना दिया है ताकि आप फटाफट फ़ोन लगाकर रेडी टू गो हो सकें। सो दैट इज़ गुड थिंग अबाउट न्यू अपकमिंग ड्रोन। तो लेट्स सी, कंफर्म्ड वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। 28 अप्रैल को रिलीज़ होने वाला है नया ड्रोन फ्रॉम द DJI, एंड इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली मैविक एयर 2, काफ़ी चांसेज हैं। बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो बंदा आपके सामने हाजिर हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग। एंड कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मैविक एयर 2 को लेके, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, और आपके क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, और काफ़ी क्वेरीज आ गई हैं ड्रोन्स को लेके, तो उस पर मैं Q&A सेशन करने वाला हूँ वीडियो का। अब आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में लिख दें, ताकि जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे वो मैं उस वीडियो में लूँगा क्वेश्चंस विद योर नेम्स। काफ़ी टाइम हो गया ड्रोन्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया मैंने, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो जितने भी आपके अगर क्वेश्चन हैं दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, और लाइक कर दें वीडियो, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय बाय।